हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ लेक्चर नंबर 32 डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी इंडस्ट्रियल कोड तो पूरा नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, उसको चिंता मत करो, उसके ऑलरेडी 7 पार्ट्स आप देख चुके हो, और भी पार्ट्स अभी आएंगे। बट बीच में ये टॉपिक एक कवर कर लेते हैं जल्दी से, बॉन्डेड लेबर का। ऑलराइट, इसमें अराउंड 3 वीडियोज़ जो हैं वो रहेंगे आपके। दिस विल बी द पार्ट 1। एंड ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, ये EPFO के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में भी आप इसको पुट अप कर सकते हो टॉपिक को। आप इसको सोशल सिक्योरिटी के टॉपिक में भी रख सकते हो। ओके, तो मल्टीपल एरियाज़ जो हैं ये कवर कर रहा है। सेकेंडली, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हो या स्टेट सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हो, जैसे हिमाचल, हरियाणा, ठीक है, सब निकले हुए हैं जो अभी एग्जाम्स, MP, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। और एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। EPFO वाले बच्चों के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो नॉन वीडियो MCQ कोर्सेज हैं। आप सिंगल सिंगल कोर्स भी ले सकते हो, गैप का, सोशल सिक्योरिटी का, या लॉ का, जिसमें आपको 500+ MCQs प्रोवाइड कराए जाते हैं, या फिर आप कॉम्बो कोर्स ले सकते हो तीनों का। उसका लिए भी वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर मेल कर सकते हैं shikshit@gmail.com पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम की। देखो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टेटस ऑफ वुमेन की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसी तो नहीं है कि विद इन अ डे इमर्ज हो गई, है ना। इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई बैकग्राउंड है, कोई ना कोई रीजंस हैं, कोई ना कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनकी वजह से दिस प्रॉब्लम गॉट एग्जैजरेटेड, बढ़ गई है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हिंदुस्तान में अगर हम डेट बॉन्डेज, या जिसको आप बॉन्डेड लेबर भी कहते हो, देखो बॉन्डेड लेबर बेसिकली होता क्या है, अभी हम जो वेरियस एजेंसीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर बॉन्डेड लेबर एक्ट है, या फिर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, वो किस तरह से बॉन्डेड लेबर को डिफाइन करती हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि बॉन्डेड लेबर क्या होती है, तो बेसिक सा मामला ये होता है कि आपने कहीं से उधार लिया, किसी ने कहीं से पैसा उधार लिया, डेट लिया, एंड देन ही इज़ नॉट एबल टू पे दैट डेट, ठीक है। उस डेट के ना उसके पास कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी है। आज आप बैंक में जाते हो पैसा उधार लेने, लोन लेने, तो बैंक आपसे पूछता है कि कोलेटरल प्रॉपर्टी तेरे पास क्या है। आप कहोगे मेरा घर है, ये आप कोलेटरल रख लो। तो इन केस यू आर नॉट एबल टू पे बैक मनी टू द बैंक, बैंक क्या करेगा, आपका जो घर है उससे पैसा रिकवर करेगा जिसको आपने एज अ कोलेटरल रखा था, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइनेंस जो है बैंकिंग सिस्टम में चलता है। डेट बॉन्डेज में क्या होता है, अब कोई चला गया, उसके पास जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ गिरवी रखने को नहीं है, तो क्या करता है, खुद की लेबर को गिरवी रख देता है। सो वॉट इज बेसिकली ही सेइंग कि जिस मनी लेंडर के पास, जिस लाला के पास वो पैसा लेने जा रहा है, वो कहेगा लाला मेरे पास ज़मीन तो नहीं है रखने को, लेकिन जब तक पैसा नहीं चुकाया जाता, मैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे लिए जो भी तुम काम कहोगे वो करूँगा, ठीक है। तो एक तरह से अपनी लेबर जो है वो गिरवी रख दी, तो इसीलिए इसको डेट बॉन्डेज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कहीं से पैसा उधार लिया। ऑलराइट, सो कई बार लोग इसको स्लेवरी से कन्फ्यूज कर लेते हैं। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें स्लेवरी से मिलती हैं, जैसे स्लेवरी में आप कोई नॉर्म्स नहीं होते, यू ट्रीट द पर्सन इन ह्यूमनली, वैसे ही इसमें भी रहता है। लेकिन स्लेवरी में क्या होता है, आपको परचेज किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, आप पैसा उधार ले रहे हो, इसीलिए इसको डेट बॉन्डेज कहा जाता है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ डेट बॉन्डेज इन इंडिया इज बेसिकली लिंक्ड टू पॉवर्टी, गरीबी कारण है, नहीं तो अगर कोई गरीब नहीं होगा तो वो क्यों इस तरह का कोई डिसीजन लेगा। ऑलराइट, और गरीबी हम किससे ट्रेस बैक करते हैं, एब्सेंस ऑफ लैंड से, क्योंकि किसानों के पास खुद की ज़मीनें नहीं है, ठीक है। लैंड बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब वो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह लेकर आए इंडिया में, उसके बाद और ज़्यादा जो है वो बढ़ गया, ठीक है। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की गई, पर अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। लैंड नहीं है लोगों के पास, और अगर लैंड अवेलेबल है तो वो लैंड साइज इतना छोटा है दैट इट इज़ ऑफ नो वैल्यू। ओके, सो एक
दूसरी चीज जो स्ट्रॉन्ग कॉमनैलिटी हमें देखने को मिलती है, एक तो हमने देखा कि जो गरीब है और गरीबी का कारण है लैंड ना होना, एब्सेंस ऑफ एसेट्स, ऑलराइट। दूसरी चीज अगर आप देखते हो जो ये डेट बॉन्डेज की मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज इन द रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में जो रूरल पुअर है दे आर मेनली द विक्टिम्स ऑफ डेट बॉन्डेज, वो ही ज्यादातर इस चीज के विक्टिम जो है वो बनते हैं। ओके, नाउ बेसिकली ये जो लोग होते हैं दीज आर द पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी लैंड एंड दे आर वर्किंग एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर। और अगर आप रूरल एरिया में भी देखोगे तो कम्युनिटी स्पेसिफिक भी चला जाएगा, बेसिकली बॉन्डेड लेबर के या जो डेट बॉन्डेज में लोग फंस रहे हैं दे आर बिलोंगिंग टू द SC एंड द ST कैटेगरी। तो अपने को एक आइडिया लग जाता है कि एक अगर हम मैप बनाने की कोशिश करें अल्टीमेटली दैट द पॉवर्टी प्लस एब्सेंस ऑफ लैंड, ओके, प्लस एब्सेंस ऑफ लैंड, दिस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, दिस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पुअर गोइंग फॉर डेट बॉन्डेज, ठीक है, एंड दीज रूरल पुअर आर ऑल्सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच मेनली बिलोंग टू द SC और ST कम्युनिटी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इससे ज्यादा इंपैक्ट जो है उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया जो कॉलोनियल रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था, ठीक है, ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट था टेनेंट्स का, दो इसको अपोज किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, पर फिर भी अभी भी इसके स्कार्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखोगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, हालांकि सरकार ने बहुत सारे जो है भूदान एंड ऑल सारी चीज़ें जो सरकार ने की थी, लैंड लिमिटेशंस वगैरह लगाई थी, पर अभी भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, लैंड जो है वो प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखो जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल है, तो हिंदुस्तान का जो किसान है वो सीजनल उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बाकी का साल वो वेला बैठा रहता है, ठीक है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा इंडिया में अगर आप अभी भी देखो तो स्टेबल और ड्यूरेबल एवेन्यू ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, स्टेबल नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हालांकि सरकार ने स्कीम्स वगैरह जो मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन अभी भी इनका कंप्लीट इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड पहुंचने नहीं लगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इन सब रीजंस की वजह से सीजनल माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी होती है, और इस सीजनल माइग्रेशन के लिए जब एक सीजन में काम है दूसरे सीजन में काम नहीं है और उसको सीजनली माइग्रेट करना पड़ता है, उसको फिर से पैसा उधार लेना पड़ता है मनी लेंडर से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, हालांकि वंस अगेन यूल से सर प्रधानमंत्री जनधन योजना आया है, जैम आया है, इन सब स्कीम से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, पर इन रूरल एरियाज में कितना ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, ठीक है। उसके अलावा रेम्यूनरेटिव वेजेस नहीं दी जाती हैं टिलर्स को, जो टेनेंट्स होते हैं या जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, दे आर नॉट गिवन द रेम्यूनरेटिव वेजेस, प्रॉपर वेजेस। अब आपके ये जो इंडस्ट्रियल वेज कोड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ कोड्स आर बीइंग मेड, ये एग्रीकल्चर के ऊपर अप्लाई ही नहीं होते हैं, कोड के अंदर साफ साफ लिखा है दैट दिस विल नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं है फार्मर्स की इंडिया में जो टिलर्स हैं, ओके, एंड इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से दे हैव टू गो फॉर द लोन डेट और एडवांस, जो डिस्ट्रेस सिचुएशंस है, जो भी उनकी सोशल लाइबिलिटीज हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनके लिए फिर उनको पैसा जो है उधार लेना पड़ता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू इनडेटनेस एंड बॉन्डेज, ओके। नाउ द सिस्टम ऑफ डेट बॉन्डेज इवॉल्व्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब डेट बॉन्डेज की अगर आप हिस्ट्री पूरे देश की अगर ट्रेस करना चाहो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह पर अलग तरह की डेट बॉन्डेज होती है, अलग नाम से उसको बुलाया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी देखेंगे। ऑलराइट, तो देखोगे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इवन बिफोर इंडिपेंडेंस जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे हैदराबाद का जो प्रिंसली स्टेट था, उन्होंने कोशिश किया कि इस बॉन्डेड लेबर के सिस्टम को कैसे खत्म किया जा सके, ठीक है। सिमिलरली इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट लॉज जो है वो पास किए टू एबॉलिश दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट लेकर के आए जो 1976 में अब पास हो गया था, ओके। इस बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट के बारे में भी हमने जो है जानकारी लेनी है, ओके जी। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा हो जो EPFO के स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर ये इतना अपने को जानकारी क्या लेनी है, ये तो IAS वाले बच्चों के लिए तो ठीक है कि उनको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगा,
पर अपने को क्या काम है, अपने को तो जो है प्रीलिम्स देना है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देना है। देखो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो फैक्चुअल होंगी, जो आपके पेपर के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट होंगी, और ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है एमसीक्यूज में। तो एक वाइड व्यू आपका होना चाहिए, नॉलेज आपका होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों वीडियोज़ की बात करूँ तो अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स तक की ये तीनों वीडियोज़ टोटल टाइम मिला करके आपकी ज़्यादा होंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो अगर आप 1.25 घंटे की वीडियो देख लोगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो है नेम इस नाम से इसको बुलाया जाता है, डिफरेंट सिस्टम था, उस सिस्टम में क्या था इतना डिटेल में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तेलंगाना में इसको वेती कहा जाता था या भगोला, ठीक है। भगोला ख़त्म करने के लिए हैदराबाद के निज़ाम ने 1941 में एक्ट भी लेकर के आए थे, ठीक है। या चाकरी या जीतम भी इसको कहा जाता था। देखो सीधे सीधे सवाल बनते हैं अभी इसमें से, ओके। वेती वॉज अ डेट बॉन्डेज सिस्टम प्रिवेलेंट इन विच रीजन ऑफ इंडिया और इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। नीचे चार ऑप्शन दे देगा, ए तेलंगाना, बी बिहार, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। तो पता होना चाहिए अपने को, बिहार में इसको कनुआ और सेविकास पलामाऊ रीजन में, कमियाउती संथल परगना में, हरवाही भागलपुर में, कांध देवगढ़ में, बहुती गोडा में, और कृषारी जो है दुमका में कहते थे। अब देखो ये जो रीजन है पुलमाऊ, ठीक है, संथल, भागलपुर, देवगढ़, ये अगर नहीं भी याद रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कनुआ, सेविका, कमियाउती, हरवाही, बहुती, कृषारी, ये कौन से रीजन में, जो कौन सी स्टेट में पर्टिकुलरली बोला जाता था। कर्नाटका में अगर आप जाओ, कर्नाटका में इस सिस्टम को बोला जाता था जीता, ठीक है, विच इज़ अ करप्ट फॉर्म ऑफ जीविता। जीविता का अगर आप मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है लाइफ टाइम। देन मध्य प्रदेश में इसको कमिया कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सूरजिया, ओडिशा में गोथी, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सागरी, उत्तर प्रदेश में बेगार, ठीक है, जो टर्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यूज्ड है, आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है बेगार टर्म, ठीक है। उसके बाद बंधवा मजदूर, बंधक, बाजगी, सेवक, हरवाह, इटेक्स्ट्रा। तो ये सारे उत्तर प्रदेश में थे इम्पॉर्टेंट, जो आपको याद करने हैं। तमिलनाडु में इजवास, चेरुमास, पुलायास, पनियास और होलीगास जो है बॉन्डेड लेबर के लिए टर्म यूज़ किया जाता था, और अरुणाचल प्रदेश में सुलुंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये फैक्चुअल सवाल, इसके अंदर से डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। ऑलराइट, अब अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं बॉन्डेज के, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेट बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट कन्वेंशंस, या जैसे हमारा जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है उन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं। ये डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ईपीएफओ का 2017 का अगर आप पेपर देखते हो तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया है, ओके। तो सबसे पहले फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है आईएलओ का ही एक कन्वेंशन है, ओके। तो ये कैसे डिफाइन करती है, द टर्म फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर शॉल मीन ऑल वर्क और सर्विस विच इज एग्जैक्टेड, ठीक है। इसमें वर्क भी आ गया, दैट इज योर फिजिकल वर्क एज वेल एज योर सर्विस, ठीक है। तो वर्क और सर्विस दोनों आएंगे, विच इज एग्जैक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन अंडर द मैनेस ऑफ एनी पेनल्टी एंड फॉर विच द सेड पर्सन हैज नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ वॉलेंट्रली। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए इंसान खुद को वॉलेंट्रली ऑफर नहीं करता और उसकी जो सर्विसेज हैं या उससे जो काम लिया जा रहा है वो एज अ पेनल्टी लिया जा रहा है, उसको पनिश करने के लिए उससे वो काम लिया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए उसको पे भी नहीं किया जा रहा, तो उसको आप क्या कहोगे, फोर्स लेबर में लेकर क्या होगे। उसके बाद आपका एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ओके। उसमें एक आर्टिकल 4 है, अब आर्टिकल 4 आप कोई ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं है, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, नो वन शॉल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शॉल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड से इसने इसको बॉन्डेड लेबर को कंपेयर जो है वो किया है। देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में से भी सवाल था डायरेक्ट 2017 में, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, अच्छे से इसके पूरे डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, अराउंड 12-13 पेज का डॉक्यूमेंट है ये, उसको अच्छे से वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा मैं, ओके। तो चिंता मत करो, सी द पॉइंट इज दिस स्पेशल स्पेसिफिकली फॉर द ईपीएफओ प्रिपरेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि
मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कवर करूँ। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कब तक ख़त्म कर दोगे लॉ को? देखो, ख़त्म करने के चक्कर में रहेंगे तो ख़त्म तो अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मेन चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं। इनफैक्ट जो आप लोगों ने, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि सर पेड कोर्सेज हमने लिए थे, इसके लिए थे, उसका लिया था, तो पेड कोर्सेज में जितना नहीं कराया उससे ज़्यादा तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये चलता रहेगा, देखो प्रोसेस जब तक पेपर नहीं आता तब तक चलता रहेगा। तो बस आप देखते जाओ, उस चीज़ की चिंता मत करो कि कब ख़त्म होगा। ओके, नाउ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, ये कैसे डिफाइन करता है, बॉन्डेड लेबर को कैसे डिफाइन करता है? एनी लेबर और सर्विस रेंडर्ड अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम। ठीक है, अब बॉन्डेड लेबरर कौन हो गया? अ लेबरर हु इनकर्स और हैज और इज प्रिज्यूम टू हैव इनकर्ड अ बॉन्डेड डेट, जिसने बॉन्डेड डेट लिया है। बॉन्डेड डेट कौन सा हो गया? जहां पर उसने पैसा उधार लेने की जगह जो कोलेटरल रखा है वो खुद को रखा है या अपने किसी जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपना भाई, अपनी बहन, उनको रखा है। ये एक तरह से जैसे आपने महाभारत देखी है ना, महाभारत, महाभारत में क्या होता है, जब धृतराष्ट्र जो है वो हार रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पहले अपने आप को बॉन्डेड लेबर रख देते हैं कि ठीक है ये गेम के लिए मैं अपने आप को जो है दास बनाने के लिए आपका रखता हूँ। ठीक है, वो जब वो हार जाते हैं फिर वो अपने भाइयों को रख देते हैं, फिर वो अपनी बीवी को रख देते हैं। सेम सिस्टम यहाँ पर जो है वो बॉन्डेड लेबर में आता है। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम क्या हो गया? मीन्स द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड, अगर पार्टली फोर्स्ड भी है, लेबर अंडर विच अ डेटर एंटर्स और हैज और इज प्रज्यूम टू हैव एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट विद द क्रेडिटर, जहां पर डेटर क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट में एंटर कर गया। डेटर जिसने पैसा लिया है, क्रेडिटर जिसने पैसा दिया है। ओके, एंड पैसा लेने के बदले वो क्या कर रहा है? ही इज रेंडरिंग हिमसेल्फ और एनी ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी लेबर या उस व्यक्ति की लेबर या सर्विस क्रेडिटर को दे रहा है। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, वो ये कह सकता है कि अगले एक साल के लिए, फॉर वन ईयर, या फिर उस एग्रीमेंट में पीरियड स्पेसिफाई ना ही होगा, उस एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि जब तक पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक ये हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफाइड पीरियड भी हो सकता है, अनस्पेसिफाइड पीरियड भी हो सकता है। ठीक है, उसको उसके लिए भी कुछ तनख्वाह नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि उसके लिए उसको थोड़ी सी सैलरी मिले। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली एक दिन की लेबर का 300 रुपये पर डे है। ठीक है, 300 रुपये पर डे है। अब जो इस डेट एग्रीमेंट में चला गया उसको 300 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने पैसा उधार लिया, पर उसको फिर भी खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर वो खाएगा नहीं तो वो वैसे ही मर जाएगा, तो क्रेडिटर के किसी काम नहीं आएगा। तो क्रेडिटर क्या करेगा कि देख यार, 300 रुपये तो तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि तूने मुझसे पैसा उधार लिया है, मैं तुझे 50 रुपये रोज़ का दूंगा ताकि तू अपना खाना पीना, अपने घर परिवार का खाना पीना चला सके और ज़िंदा रहे, ताकि मेरे लिए काम कर सकता रहे। ठीक है, तो 250 रुपया जो उसका कट गया वो क्या होगा? उसका डेट पूरा करने में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने 5 लाख रुपया अगर उधार में लिया है तो वो 250 रुपये उसके 5 लाख में से कट जाएंगे। ठीक है, और जो इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा उसके ऊपर। ऑलराइट, ओके। नाउ बॉन्डेड लेबर सिस्टम में जो एग्रीमेंट होता है उसमें फॉरफिट द फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो और कहीं काम नहीं कर सकता। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए या अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए फ्रीडम पे उसकी फॉरफिट लग जाता है क्योंकि उसको काम करने के लिए एक जगह पर ही रुकना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको वहीं रहना पड़ेगा, वो एक तरह से उसका बंधुआ मजदूर हो चुका है ना। ओके, फॉरफिट द राइट टू अप्रोप्रिएट और सेल एट मार्केट वैल्यू। अब देखो, एक तरह की बॉन्डेड लेबर में ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान जो है उसने पैसा लिया। ठीक है, उसने क्या कहा कि मेरे को पैसा चाहिए खेती करने के लिए अपनी ज़मीन पर। तो जो मनी लेंडर है, मनी लेंडर ने क्या कहा कि मैं तुझे पैसा दूंगा लेकिन ये जो तू अनाज अपनी ज़मीन पर उगा रहा है ये तुझे मुझे बेचना होगा। ठीक है, किसान कहेगा ठीक है। तो मार्केट का रेट फॉर एग्जांपल 1000 रुपये किलो है, 1000 रुपये किलो है, लेकिन मनी लेंडर इसको क्या कहेगा, क्योंकि मैंने तुझे पैसा उधार दिया है तो तू मुझे ये 200 रुपये किलो में देगा, तू मुझे ये 200 रुपये किलो में बेचेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का बॉन्डेड लेबर जो है हो गया। आर यू गेटिंग इट? ये भी एक तरह का क्या हो गया, बॉन्डेड लेबर की डेफिनेशन में आ गया। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग एज पर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट डेट बॉन्डेज और विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉन्डेड लेबर एज पर द एक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और वाइड कर दिया, बॉन्डेड लेबर की डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया।
ठीक है, और ज़्यादा एक्सटेंसिव इसको बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, जो आपका एपेक्स कोर्ट है, उसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या है, वेयर अ पर्सन प्रोवाइडेड लेबर और सर्विस टू अनदर फॉर रेम्यूनरेशन लेस देन मिनिमम वेज, जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और वो उस काम के मिनिमम वेज से कम पैसे ले रहा है, तो उस केस में वो फोर्स्ड लेबर की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे पैसा, आपने कहीं से पैसा उधार भी नहीं लिया, डेट भी नहीं लिया, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा रोज़ के, लेकिन उसी काम की जो मिनिमम वेज जो सरकार ने सेट तय करी है वो 500 रुपये है, आपने कोई पैसा उधार नहीं लिया हुआ इससे, आपको बस काम चाहिए और ये आपको इस वेज के ऊपर काम दे रहा है, तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये जो हो रहा है, दिस विल बी अकाउंटेड टू फोर्स्ड लेबर और जो एम्प्लॉयर है ही कैन बी पिनिश्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट देता है बॉन्डेड लेबर की। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, दैट इज़ योर बॉन्डेड चाइल्ड लेबर, इसके बारे में भी बात करते हैं। आप जानते हैं थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग एज बॉन्डेड लेबरर्स इन इंडिया। ओके, एंड बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बॉन्डेड लेबर में आप अपनी लेबर या तो एज अ बॉन्डेज जो है वो दे देते हैं, या फिर आप अपने डिपेंडेंट्स। तो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, दे टेक मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर एंड उसके बदले दे गिव देयर चिल्ड्रन टू फुलफिल दैट डेट थ्रू देयर लेबर। ओके, एंड काफ़ी स्मॉल सम्स ऑफ मनी के लिए जो विलेजेस वगैरह हैं आप देखेंगे, वहाँ पर बच्चों को एज अ लेबरर जो है वो दे दिया जाता है। ओके, एंड इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया में अभी भी आप देखोगे काफ़ी कम जो है बैंक जो प्रेजेंस है, जो मोर्टार बैंक प्रेजेंस है इंडिया के अंदर विलेजेस के अंदर, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो पुअर हैं दे हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल मनी लेंडर्स और कोई कोलेट्रल अवेलेबल होता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया लैंड हमारे यहाँ पर है नहीं, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या करते हैं, दे प्रोमिस द लेबर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को एक तरह से गिरवी वहाँ पर रखाते हैं, जैसे युधिष्ठिर ने महाभारत में किया। ओके, नाउ जो ये अरेंजमेंट होता है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो ये अरेंजमेंट होता है पेरेंट्स के बीच में और जिस मनी लेंडर से वो पैसा ले रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल और अनरिटन एग्रीमेंट होता है, क्योंकि लीगल तो है नहीं जो ये रिटन एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर लीगल होगा तभी रिटन एग्रीमेंट कर पाएंगे ना। तो इसी वजह से ये जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जिनके लिए बच्चों को गिरवी रखा जाता है, वो भी डिटरमिन नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी के लिए उनके बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर आप देखो ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बच्चों के साथ इंटरव्यू किया, सो अल्टीमेटली ऐसे काफ़ी सारे बच्चे उनको देखने को मिले जो बहुत सालों से बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं एंड अल्टीमेट उनको ये भी नहीं पता कि वो कभी आज़ाद होंगे भी या नहीं होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि वो जब मैरिज एज में पहुँचे तो वो बॉन्डेज से बाहर निकल जाते हैं और अपने छोटे भाई बहन को या अपने किसी और रिश्तेदार को एज अ लेबर पेमेंट जो है वो सर्विस पे दे देते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है कि वो किसी और मनी लेंडर से पैसा उधार ले लेंगे और उनके बॉन्डेड लेबर बन जाएंगे और पिछले वाले मनी लेंडर का पैसा वापस कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो फंसे उसी डेट के अंदर हुए हैं, उसी सर्कल के अंदर वो है फंसे हुए हैं। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर आप देखो जो डेट बॉन्डेज से लेबर हायर करते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली बच्चे ओरिजिनल लोन पे भी नहीं कर पाते, वो पैसा कभी चुका ही नहीं पाते, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए है तो इस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं इनफॉर्मल जो मनी लेंडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे वो महीने का 10% चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 5 लाख रुपए पे 10% कितना हो गया, 50,000 रुपया हो गया। साल का लगा लो, साल का 10% वो इंटरेस्ट लगाएंगे, अगर 50,000 रुपये हो गया, वो उतनी उसकी सैलरी नहीं बनेगी जितना इंटरेस्ट हो गया, तो वो कहेंगे कि ये तो इंटरेस्ट, इसकी जो लेबर है पर्टिकुलर पर्सन की जो लेबर है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट पूरा करने में ही निकल गई, तो जो असली में मूल था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो तो चुका ही नहीं पाए, तो वो पूरी ज़िंदगी ही बेचारा काम करता रह जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, जब तक ओरिजिनल अमाउंट जो पूरा 5 लाख रुपये का अमाउंट है वो सबमिट नहीं कर दिया जाता। उसके अलावा जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी काफ़ी डेंजरस होती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में। देखो जो बॉन्डेड लेबर हायर कर रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि बाकी सेफ्टी और हाइजीनिक रूल्स जो हैं वो फॉलो करता होगा, काफ़ी डेंजरस इंडस्ट्रीज़ में बच्चों को हायर किया जाता है, जैसे बीडी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लॉन्ग आवर्स ऑफ टोबैको के कॉन्टैक्ट में वो रहते हैं, जिसकी वजह से यू नो टोबैको डस्ट जो है वो उनके लंग्स में एंटर कर जाती है, विच कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस लाइक डिजीजेज़,
कार्पेट वीविंग में भी अगर आप देखो बहुत से बच्चों को इम्प्लॉय किया जाता है, ओके, दिस ऑल्सो यू नो उससे क्या होता है, वो वुल फाइबर और डस्ट को इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिजीजेस काफ़ी सारे होते हैं, जैसे एम्फिसाइमा या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके, तो ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेज की। अब ट्रैफिकिंग को हम कहते हैं इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डेज, ओके। कई बार क्या होता है कि आपने अपना बच्चा गिरवी रख दिया, सो अल्टीमेटली उसको ट्रैफिक करके कहीं और भेज दिया जाता है, ठीक है। दिस इज लिटरली लाइक सेलिंग समवन, ओके। एंड ये ज़्यादा स्पेसिफिक होती है बच्चों और औरतों में ही। नाउ ट्रैफिकिंग जनरली रिफर्स टू द रिक्रूटमेंट एंड पोटेंशियली टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद इन और अक्रॉस बॉर्डर्स बाई यूज ऑफ डिसेप्शन, फोर्स और करूजन। या तो आप धोखा देकर, या आप ज़बरदस्ती, या फिर आप कोर्स कर कर किसी की मजबूरी का आपने फ़ायदा उठाकर जो है, अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो दैट विल बी यू नो ट्रैफिकिंग। नॉट ट्रैफिकिंग शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद वॉलेंट्री लेबर माइग्रेशन। कई लोग कहते हैं यार वो अपनी मर्जी से तो गया था, तो वाई टू से ट्रैफिकिंग, लेकिन आप उसको वॉलेंट्री लेबर माइग्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसने अल्टीमेटली जो है जो करोजन है वो किया है, किसी ना किसी तरह की कंपल्शन जो है पर्सन के ऊपर डाली गई है, ओके। वाइल प्रोस्टिट्यूशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन फॉर ट्रैफिकिंग, इट इज़ नॉट द ओनली वन। लेबर के लिए भी काफ़ी बार जो है ट्रैफिक किया जाता है, ऑर्गन्स के लिए ट्रैफिक किया जाता है, ओके। तो इसको भी हम लिंक करते हैं विद बॉन्डेड लेबर और बॉन्डेज। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स क्या हैं, हमारे संविधान में क्या प्रोविजन्स हैं फॉर द बॉन्डेड लेबर एक्ट। ओके, सो आर्टिकल 21 सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि भैया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, ठीक है। अब अगर आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये लाइफ एंड लिबर्टी में फ्री मूवमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। हमने देखा बॉन्डेड लेबर एक्ट कैसे डिफाइन कर रहा है कि अगर किसी की मूवमेंट को भी आप अगर हिंडर कर रहे हो, कोई फ्री नहीं है मूव करने को, आपने फोरफिट कर दिया, आपने रोक लगा दिया उसके मूवमेंट पे, तो भी वो बॉन्डेड लेबर में आ गया। राइट टू ईट, स्लीप, वर्क, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के हिसाब से सो नहीं सकते, ठीक है। राइट टू फ्री फ्रॉम इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, अगर आप किसी के मजदूर, बंधुआ मजदूर हो, आप किसी के गुलाम हो, तो आप ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कह सकते कि आपको मिल रहा है। राइट टू इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी, कोई इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी नहीं होगी उस केस में अगर आप किसी के बॉन्डेड लेबर हो। द राइट टू बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, कौन सा लेबर लेजिस्लेशन आपको मिल रहा है अगर आप किसी के बंधुआ मजदूर बने हुए हो। एंड राइट टू स्पीडी जस्टिस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जहां पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने डाला है, लेकिन ये सारे राइट्स अगर आप देखो, कोई अगर बॉन्डेड लेबरर है तो उसके ये सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सो अल्टीमेटली उसके कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? नाउ आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ डेट बॉन्डेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, बोथ मॉडर्न एंड एंशियंट। आपका आर्टिकल 23 क्या कहता है कि किसी भी तरह का डेट बॉन्डेज, चाहे वो मॉडर्न फॉर्म हो चाहे वो एंशियंट फॉर्म हो, उसको हम कंप्लीटली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। एंड ऑल्सो इट सेज कि ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन बींग्स में, या जो बिगार है उसको, बिगार हमने देखा ना बिहार में बॉन्डेड लेबर का ही एक टाइप होता है, उसको भी हर तरह की फॉर्म में प्रोहिबिट किया जाता है, और अगर कोई भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है सो इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ओके। ऑलराइट, नाउ बेगार इज एन एंशियंट कास्ट बेस्ड ऑब्लिगेशन, ही हम देख चुके हैं, ओके। अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर वॉज इंटरप्रेटेड एक्सपेंसिवली बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1982। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, ठीक है, जिसको आप सेमिनल एशियाड वर्कर्स केस कहते हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बोथ अनपेड एंड पेड लेबर वर प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 23 सो लॉन्ग एज द एलिमेंट ऑफ फोर्स और कंपल्शन वॉज प्रेजेंट इन द वर्कर्स ऑन गोइंग सर्विस टू द एम्प्लॉयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो फोर्स्ड लेबर में सिर्फ ये नहीं आएगा कि आप उसको अनपेड, बिना उसको पैसा दिए काम करा रहे हो। पीछे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ना, अगर आप उसको मिनिमम वेजेस से कम पैसा दे रहे हो तब भी वो फोर्स्ड लेबर है, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आप उसको कंपेल कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल कंपल्शन है, आप उसको धमका डरा के डंडे के जोर पे उससे काम करा रहे हो, ज़बरदस्ती उससे काम करा रहे हो, आप उसको पैसा दे रहे हो, उसकी वेजेस उसको पे कर रहे हो, लेकिन आप उससे काम ज़बरदस्ती करा रहे हो,
वो काम नहीं करना चाहता वहां पे, ठीक है, आप उसको पैसा दे रहे हो, वो काम नहीं करना चाहता वहां पे, लेकिन फिर भी आप उससे काम करा रहे हो। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट वन, ठीक है, उसमें मूवी में बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो कैसे मार मार के मजदूरों से कोयले की खुदानों में काम कराते हैं जबरदस्ती, उनकी विश के अगेंस्ट, 18-18 घंटे पैसा मिलता है उनको, लेकिन काम जबरदस्ती कराते हैं, वो नहीं करना चाहते काम, फिर भी करना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल कंपल्शन, या उसको डराएंगे धमकाएंगे, उसको कहेंगे कि तेरे को जेल में पकड़वा दूंगा, तूने मुझसे इतना पैसा लिया था, ठीक है, अब तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, पैसे मैं वेजेस तुझे दूंगा लेकिन तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, डरा देते हैं गरीब आदमी को, ठीक है। या उसको हंगर की, उसकी भूख का फायदा उठाकर, या उसकी गरीबी का फायदा उठाकर, या उसकी वॉन्ट्स का फायदा उठाकर के अगर जबरदस्ती किसी से काम कराया जा रहा है, इवन इफ ही इज बीइंग पेड वेजेस, देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एशियाड वर्कर्स केस, वो फोर्स्ड लेबर की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट इज द प्लेनेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 21 एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट बॉन्डेड लेबरर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिलीज्ड, एंड ऑन रिलीज दे मस्ट बी सुटेबली रिहैबिलिटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए, आर्टिकल 21 और 23 का जो एम है वो अचीव करने के लिए, कि जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, सरकार उनको रिलीज करवाए और सरकार उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड कराए। और अगर सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ये करने में फेल होती है, या वो बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में फेल होती है, देन इट विल काउंट टू द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आर्टिकल 24, अगर आप देखो, अभी हमने चाइल्ड बॉन्डेड लेबर की बात की, तो आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी भी बच्चे को इम्प्लॉय नहीं कर सकते फैक्ट्री, माइन या हजार्डस ऑक्यूपेशन में। उसके बाद आपके डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्या कहता है, कि जो स्टेट है, जो सरकार है, इट शुड डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, दैट द चिल्ड्रन ऑफ आर टेंडर एज नॉट अब्यूज्ड, एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी। इकोनॉमिक नेसेसिटी से फोर्स नहीं हो रहे हैं, वो फोर्स लेबर के लिए नहीं जाना पड़ रहा है उनको, ठीक है। चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। एक चाइल्ड लेबर कभी भी हेल्दी मैनर में डेवलप नहीं करेगा, हमने देखा बीडी वर्कर के केस में, कारपेट वर्कर के केस में, तो ये भी जिम्मेदारी डीपीएसपी ने स्टेट के ऊपर डाली है कि हेल्दी अपॉर्चुनिटीज मिले एक चाइल्ड को, तो उसके लिए चाइल्ड बॉन्डेज लेबर को खत्म करना पड़ेगा। फ्रीडम एंड डिग्निटी मिले चाइल्ड को, उसका यूथ प्रोटेक्टेड रहे, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मॉरल और मटेरियल अबेंडनमेंट ना हो, तो ये सारे प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए क्या जरूरी है, कि फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर या डेट बॉन्डेज को कंप्लीटली खत्म किया जाए इंप्लीमेंटेशन से थ्रू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, चलिए अभी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 भी हमने डिस्कस करना है, पर अभी ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखो लंबा वीडियो, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को एक घंटे का वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम होता है, मेनली प्रॉब्लम मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ एकदम से बहुत सारा आपको जो है कंटेंट एक ही वीडियो में मिले, उससे क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए, टू ग्रैब इट इज़ ईजी कि आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिले, ओके। तो बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन सिस्टम एक्ट वैसे मैंने इसी वीडियो में डिस्कस करना था, बट नाउ इट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या होगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देर इज़ अ स्कीम That was revised in 2016 for rehabilitation of bonded laborers, ठीक है, उस स्कीम को हमने डिस्कस करना है, ओके। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो दोनों बच्चों के लिए, EPFO भी और सिविल वालों के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा देन वॉट शुड बी अदर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, वो थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये दो वीडियोज अभी आपके सामने और आएंगी, तो वो देखते रहना आपने, ओके। चलिए तो इस लेक्चर को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, बाकी की वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।